दुनिया का पहला एटीएम लंदन में बार्कलेज बैंक की एक शाखा में पहली बार लगाया गया था। तारीख थी 27 जून 1967। इस एटीएम का उद्घाटन करने के लिए उस दौर के मशहूर हास्य अभिनेता रेग वर्न्यू पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही सालों में एटीएम दुनिया भर में फैल गए और अब तो किरिबाती और माइक्रोनेशिया जैसे छोटे आइलैंड्स में भी एटीएम दिख जाते हैं। लेकिन एटीएम की पैदाइश का किस्सा काफ़ी मज़ेदार है। पहले एटीएम मशीन को भारत में पैदा हुए ब्रिटिश मूल के जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था। कहा जाता है कि बैरन बैंक की लंबी लाइन में खड़े होते होते परेशान हो गए थे और आगे से लाइन में न लगना पड़े इसका तरीका खोज रहे थे। एक दिन उन्हें यह आइडिया तब सूझा जब वो चॉकलेट वेंडिंग मशीन से कॉफी निकलते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा जब कोई मशीन कॉफी निकाल सकती है तो रोकड़ा क्यों नहीं निकाल सकती। लेकिन एटीएम को भारत आने में थोड़ा वक्त लग गया। साल 1987 में भारत में पहला एटीएम लगाया गया। ये एटीएम एचएसबीसी बैंक की मुंबई ब्रांच में लगाया गया था। भारत में एटीएम मशीन शुरू होने से पहले लोग बैंक की शाखाओं के जरिए ही लेन देन करते थे। हालांकि एटीएम मशीन लगने के बाद भारत में भी पैसे निकालने के लिए बैंकों में भीड़ कम होती चली गई। आज एटीएम भारत में ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे लोकप्रिय जरिया बना हुआ है और आज की तारीख में एटीएम की सुविधा शहर से लेकर गाँव तक पहुँच चुकी है। आज भले ही गूगल पे फोन पे जैसे तमाम साधनों के जरिए लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन रुपए निकालने और जमा करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल अब भी उतने ही तेजी से हो रहा है। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान तो एटीएम की महिमा का और अच्छे से पता चला। इस दौरान लोगों ने एटीएम से खूब पैसे निकाले। हालांकि इस पैसे को निकालने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें भी लगानी पड़ी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज खर्चा पानी की टीम एटीएम पुराड़ लेकर के क्यों बैठ गई है, तो चलिए आपको बता ही देते हैं। खबर है कि देश में हो गई है एटीएम की भारी किल्लत, इसलिए हमने सोचा कि आज हम आपको आज के खर्चा पानी में एटीएम संकट के बारे में देंगे एकदम लल्लन टॉप जानकारी। समझेंगे कि पूरा मामला क्या है, देश में एटीएम का सूखा कैसे पड़ गया है, एटीएम कहां चले गए हैं और बैंकों ने सरकार और आरबीआई से क्या गुहार लगाई है। इसके अलावा एटीएम से जुड़े दिलचस्प जानकारियों के बारे में भी आपको बताएंगे, जैसे कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, अलग अलग देशों में एटीएम को किस नाम से जाना जाता है, वगैरह वगैरह। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन दी न्यूज़ रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर देखना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ऑटोमेटेड या स्वचालित टेलर मशीन, शॉर्ट में बोलें तो एटीएम, वही एटीएम जिससे भर भर के पैसे निकलते हैं। लेकिन अब देश में हो गई है इन एटीएम की भारी किल्लत, इसे लेकर बैंक परेशान हैं क्योंकि उनके बिजनेस पर पड़ रहा है बहुत बुरा असर, ऐसा दावा कर रहे हैं बैंक। बैंकों ने देश में एटीएम की भारी कमी के बारे में चिंता जताई है, साथ ही सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों से इस बारे में अपील भी की है। अब तफसील से पूरा मामला समझते हैं। दरअसल हुआ यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि पिछले महीने केंद्र सरकार के अधिकारियों और आरबीआई के साथ एक मीटिंग में देश के प्रमुख बैंकरों ने सरकारी ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए एटीएम खरीद के नियमों को स्पष्ट करने की मांग की है। सरकारी ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म को GeM पोर्टल के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन बैंकरों ने सरकार के साथ एटीएम की कमी का मसला काफ़ी जोर शोर से उठाया है। इन बैंकरों द्वारा सरकार को बताया गया कि एटीएम वेंडर्स बैंकिंग ज़रूरतों के हिसाब से एटीएम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते एटीएम की कमी हो गई है। देश में एटीएम की कमी का कारण क्या है और बैंक इससे कैसे निपट रहे हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल देश में एटीएम की किल्लत की पहली वजह तो केंद्र सरकार की पॉलिसी को बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एटीएम वेंडर्स इस किल्लत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में लागू किए गए मेक इन इंडिया गाइडलाइंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य एटीएम उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। सरकार की मेक इन इंडिया गाइडलाइंस का पालन करने के लिए वेंडर्स को भारत में अपने ऑपरेशंस शुरू करने में काफ़ी समय लग गया। इसके अलावा सरकारी बैंकों को सरकारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिसे शॉर्टकट में GeM पोर्टल कहते हैं, वहाँ से एटीएम खरीदना अनिवार्य किया गया है। ईटी की रिपोर्ट में एक बैंक अधिकारी ने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य वैसे तो खरीद को ऑर्गेनाइज करना है और ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, ये सुनिश्चित करना है, लेकिन ये बैंकों के गले की फांस बन गया है। बैंक अधिकारी ने बताया,
सभी एटीएम विक्रेता इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए बैंक चाहते हैं कि खरीद के नियमों को सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जाए ताकि आगे जाकर उन पर कोई रेगुलेटरी एक्शन न हो। बैंक चाहते हैं कि अगर सभी गाइडलाइंस का पालन होता है तो उन्हें एटीएम के लिए इंडिपेंडेंट प्रपोजल जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों ने सरकारी पोर्टल जीईएम के अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। बैंकरों ने संकेत दिया है कि इस कमी का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे आरबीआई के निर्देशों के अनुसार एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। साल 2023 में आरबीआई ने बैंकों को अपने एटीएम को लॉक करने योग्य कैसेट मैकेनिज्म के साथ अपग्रेड करने का निर्देश दिया था, जिससे मशीनों में सीधे नकदी भरने की बजाय कैसेट को नकदी में भरने के दौरान स्वैप किया जा सके। इस बदलाव का उद्देश्य सिक्योरिटी में सुधार और ऑडिटिंग की खामियों को कम करना था। रिपोर्ट में बैंक के कार्यकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है, हालांकि ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना था लेकिन हम टारगेट से पीछे हैं और इससे जुर्माने समेत रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वेंडरों की द्वारा मैनेज किए जा रहे एटीएम में केवल 30% एटीएम को कैसेट मैकेनिज्म में बदला जा सका है। बैंकरों ने कहा है कि एटीएम की कमी के चलते उनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बीच सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के प्रेसिडेंट मंजुनाथ राव ने कहा कि बैंक एटीएम के अलावा बैंक अपने कामकाज को बेहतर करने और ग्राहक के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कैश रिसाइकलिंग मशीनें भी लगा रहे हैं। देश में कुल आउटसोर्स एटीएम में सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की 47% हिस्सेदारी है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय एटीएम बाजार 2024 और 2032 के बीच 9.2% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी सीएजीआर के से बढ़ने का एस्टिमेट दिया गया है। अब एटीएम से जुड़े आपके काम के कुछ और मजेदार किस्से भी जानते हैं। एटीएम को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में इसे कैश पॉइंट या फिर कैश मशीन या फिर होल इन दी वॉल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इसे मनी मशीन कहते हैं। कनाडा में ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन या फिर एबीएम शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है एटीएम के लिए। इसके अलावा एटीएम शब्द भी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में तो इसे एटीएम मशीन कहते ही हैं, भारत की तरह ही अमेरिका में एटीएम या एटीएम मशीन कहा जाता है। एटीएम के लिए अन्य शब्दों में एनी टाइम मनी, कैश लाइन, टाइम मशीन, कैश डिस्पेंसर, कैश कॉर्नर, बैंकोमेट तमाम नाम जैसे शामिल हैं। जिन एटीएम को किसी बैंक द्वारा नहीं लगाया जाता उन्हें व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में जाना जाता है। अब तक आपने एटीएम को अक्सर बैंकों, शॉपिंग सेंटर्स, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशंस, मेट्रो स्टेशन, किराने की दुकान, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों के आसपास लगा देखा होगा। लेकिन कई एटीएम क्रूज शिप और कुछ अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर भी पाए जाते हैं, जहां नौसैनिक अपना वेतन निकाल सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और कुछ खाड़ी देशों में तो एटीएम के पास सीधे कार से पहुंच सकते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड वगैरह में खाना खा लेते हैं वैसे ही। इन देशों में एटीएम तक पहुंचने के लिए ड्राइव थ्रू लेन हो सकती है। इसके अलावा भारत समेत कई देशों में सौर ऊर्जा से चलने वाले एटीएम बड़ी संख्या में लग रहे हैं। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान के खुंजराब दर्रे पर स्थित है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा ये एटीएम लगाया गया है, जो 15,397 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के हिसाब से तैयार किया गया है। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे एटीएम की कुल संख्या के बारे में कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय या फिर सरकारी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे एटीएम की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। लगभग 3,000 लोगों पर एक एटीएम है। शुरुआत में एटीएम सिर्फ पैसे निकालने के काम आता था, लेकिन अब इनके जरिए कई जरूरी काम होने लगे हैं, जैसे कि अब एटीएम से अपने मोबाइल का बिल, बिजली का बिल जैसे तमाम कई और यूटिलिटी बिल जमा कर सकते हैं, बच्चों की फीस भी भर सकते हैं, इनकम टैक्स भी जमा कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, पासबुक अपडेट करा सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। कई देशों में तो एटीएम से किसी कॉन्सर्ट के टिकट भी खरीदने की सुविधा मिलने लगी है। आजकल एटीएम से गोल्ड भी निकाल सकते हैं। अब सिनेमा की टिकटें, रेल टिकट वगैरह भी एटीएम से मिलने लगा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये दिलचस्प जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें अपना फीडबैक जरूर साझा करें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।